गांव जखोली में पहुंचे हैं, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी विकास सारण की यहाँ रैली हुई है। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की जो रैली हुई है, क्या कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो उन्होंने भाषण सुना है उसको लेकर क्या कुछ कह रहा है। राम राम सर। राम राम। मैं एक बात कहना चाहूँ, जिसका 4000 वोट था जाए विकास है। विकास है। अच्छा, कहना जिसका का इनकी एक कोई मुद्दा अग्निवीर के रही। अच्छा, अग्निवीर इसके किसी के नो बताई थी अग्निवीर के लिए। एक किसान ने 700 किसान मारे, पहलवान का संदीप था अपना पे वाला, मैं ले उसके बाल लग पा रहे। एक बार पहलवान थी 100 ग्राम में, 100 ग्राम को वजन हुआ है। इससे सारी दुनिया नफरत है। गुड्डा की कौन सी बात समझ में आई? सारी समझ में आई, जो योजना सारी सही है इसकी। अच्छा, जो ठीक है जो वह सच्ची है। आपका क्या नाम है जी? रामफल। रामफल, क्या कहोगे जी जिस तरह की रैली हुई है? रैली ने कहा जी बहुत तकड़ी हुई है साहब के। विकास ने जितावा तकड़े वोटा दे शान लगदा रही है। तो बात बाकी बात करा, बिना पर्ची बिना पर्ची का मुद्दा ज्यादा उठावा अभी हमने इतने बस हुआ तो इतने हम ने कहने ने बस पता बस मारा गलत दूसरी बनाई हम ने मेरा कोई विकास होया है बात बस नहीं जी कोई विकास नहीं करया। अच्छा, कोई काम हम यदि सात पर गए मोरी खिलावा दे काम मांगे मोरी खिलावा दे पांच पर गए पांच पर मन नहीं बोली तम दे ही बायो मजमम तो पांच पर आ जी बस मरा जी मको ने गांव में भी कया। अच्छा, कमलेश डांडा दूर गए थे? हां, कमलेश डांडा दूर गए हां जी, पांच पर गए 15 मनस गए हां जी मोरिया बदल वो उस टी मारी आवाज नहीं सुन मन नहीं। जेपी में क्या खास बात लग रही है? जेपी में तो यह खास बात है जिन्हें बोला हमने छेड़ी थी बात माज मारा प्रधान जी मन न्यू कर दियो जो काम मास सादला काम है बोले बन दे पहले मैं करूंगा। अच्छा, के काम था मोरिया का? कोई मोरिया काम था जे पानी का एक पानी की निकासी का तीन काम हवा में अध्याय में कह दिया ये तीन काम कर दिए मारे जब बल्ले बल्ले तेरी जीत। क्या नाम है? सेवा जी। कहाँ से हो? रामगढ़। रामगढ़ से। हाँ, तो जिस तरह आप बुड्ढा साहब का भाषण सुना, जेपी का सुना, इतिहास का सुना, क्या हाँ, समझ में आई है? वह जी कांग्रेस के जहाँ वो सारे कांग्रेस की। हाँ, कारण कारण के जो कड़ियाटा जीता प्रकाश में और चार बाबा। अच्छा, रात में भी। अच्छा, जेपी थप्पी लावे ना? थप्पी तो झूठ बोले तो। अच्छा, सही है जेपी? सही है, एक नंबर का। बढ़ता है भारी मत हो। क्या नाम है भाई? दलशेर भाई। कहाँ से हो? रामगढ़ से। रामगढ़ से। आप क्या कहोगे जी, आपकी बार कौन सी सरकार बनाओगे? कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएंगे। हाँ भाई, विकास को भारी मतों ही विजयी बनाएंगे। मेरा नाम अजय राकेश अड़ेवा। कहाँ? अड़ेवा से। हाँ, अड़ेवा से हूँ मैं जी। अड़ेवा से यहाँ कैसे पहुँचे जी? मैं चौधरी जयप्रकाश का साथी हूँ। अच्छा जी। और भाई विकास की दिन रात में सपोर्ट कर रहा हूँ क्लियाथल के में। मेरी बहुत काफ़ी रिश्तेदारी हैं, भाईचारा है। अच्छा। और 1 तारीख का बत्ता गांव में युवा सम्मेलन का आयोजक हूँ मैं। बत्ता गांव में होने जा रहा है। के माध्यम से आप वो कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, रिश्तेदारी भी है और मेरे साथी भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये कुछ माहौल है पूरा अलग घूम लिया? नहीं, अलग कमें तो घूमने लग रहे हैं। बिल्कुल एक तरफी जीत है भाई साहब की। और जो ये चल रही है बीजेपी की बी टीम, ये तो पार्टी से निष्कासित कर चुके हैं। इसको तो इनका तो कोई वजूद नहीं रहा, लोग सब समझ चुके हैं भाई किसको वोट देने में फायदा है या नुकसान है। और एक मैं बात आप मीडिया के माध्यम से क्लियाथल के वासियों को बताना चाहूँगा, भाई विकास कांग्रेस की सरकार बनने पर यहाँ से विधायक तो जनता बना देगी, जनता का मूड आ लिया, लेकिन परिवहन मंत्री से हुड्डा साहब इसको शपथ दिलाएंगे। राम राम। राम राम। राम राम। नाम है आपके? चंदन गोविंद। ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह लांबा। लांबा साहब। ईश्वर सिंह लांबा। लांबा खेड़ी से जी। क्या कहोगे किस तरह का माहौल आपको यहाँ? बिल्कुल जी 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 क्लियर है। अच्छा, बिल्कुल 40-50 हज़ार से किस तरह मूड बन रहे हैं? हमारा तो मूड शुरू से था। अच्छा। हम तो शुरू से इनके साथ था, तो जो रिश्तेदार है फिर चाहे उनका सबका मूड बढ़ जाएगा। बस सरकार कांग्रेस की आने वाली है, सब जो जेजेपी ये बीजेपी है सब हमारे गाँव में जो कमलेश ढांडे की रिश्तेदारी भी है वो सारी लगती है हमारी। उसके वोट नहीं है, विकास नहीं कराया, कुछ नहीं कराया उसके। हाँ, तो कोई वहीं कहीं की भी वोट नहीं है। आम आदमी पार्टी कैसी? आम आदमी का तो नामो नहीं है। नाम नहीं? नहीं है। अनुराग डांडा घूम रहा है? नहीं, वो ऐसे घूम रहा, कहीं नाम नहीं है उसका। उसका कोई नाम नहीं है। हाँ, कहीं डांडा कहते रहिए। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कमलेश डांडा के वो 3-3 कॉलेज बनवा दिए, कहाँ कर दिया जी? कुछ भी खिलाया तो बहुत पिछड़ा एरिया, कहीं भी कुछ भी नहीं। पानी नहीं है हमारे, पानी के बगैर से 2 महीने हो गए हमारे खेतों में पानी आए। पुल टूट गया था, वो पुल नहीं बना। अब भी पानी नहीं है हमारे पास, जमीन पानी नहीं है खेती के लिए। मार दिए सब कुछ, हाँ खत्म बना दिए सरकार ने। जाति पैति धर्म सब सौदा बदल दिया।